कितना साल पुराना है ये वाला बाइक? KTM RC RC 125 2021। तो उसके बाद भी गाइस 1 2 3 4 5 6 7 बुलेट अवेलेबल है। सो यहाँ पर गाइस दो जो है हीरो की व्हाइट कलर की एक्सट्रीम अवेलेबल है। एक स्टार्ट करते हैं, अगर अपाची RTR ही दिखाना है तो हम लोग स्टार्ट वहां से करते हैं। और ये इसका शोरूम का जो लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। गोधुली मोड़ के जस्ट आप अंदर आओगे तो आपको जो है SBI बैंक देखने को मिलेगा मेरे राइट साइड में। इसके बिल्कुल अपोजिट में गाइज यहाँ पर खुला हुआ है अशरफ ऑटो वर्क्स। यहाँ पर आपको गाइज सारे स्पोर्ट्स बाइक सेकेंड हैंड प्राइस में बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिलेगा। जस्ट आप देख सकते हो गाइज R15 V3 पल्सर KTM RC फिर जाके गाइज R15 V3 और यहाँ पर गाइज हस्क वरना। सारा गाइज बाइक्स के बारे में आपको बताऊंगा प्राइस के साथ किस प्राइस में यहाँ पर मिल जाएगा। एंड गाइज यहाँ पर जो है EMI भी अवेलेबल है। गाइस हम लोग करते हैं R15 V3 से ब्लू वाले स्पेस। कितना साल पुराना है ये वाला बाइक? ये है 2018 का लास्ट। 2018 का पुराना है लगभग। 15,000 चला हुआ। 15,000 चला हुआ है फर्स्ट ओनर गाड़ी। 5 साल में 15,000 कैसे चल सकता है? ये ओरिजिनल 15,000 चला हुआ है। श्योर? पर हां परसों ही आया मेरे पास। 15,218 परसों ही आया। ये है आपका 125,000 फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर प्राइस है मतलब अभी जो है जिसके पास जाएगा वो सेकंड ओनर होगा। 125,000 में आके गाइस आपको जो है यामाहा V3 देखने को मिल जाएगा और पास में बिल्कुल जो है पल्सर है। सो इसके बाद ये तो मतलब ये नया वाला मॉडल है, लॉन्च ही हुआ कुछ दिन पहले। तो N250 कितना साल पुराना है? ये आ जाएगा आपका 2008 आपका। ये चला हुआ है 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर 2000 किलोमीटर भी नहीं चला, ठीक है ना? और ये तुम्हारे पास जो है बिकने के लिए रेडी है। हाँ कितना तक मिल जाएगा? 1815 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक है ना? साल भर का अंदर ही है। साल भर भी नहीं हुआ ये वाला बाइक। चलो ठीक है, ऐसे भी हम लोग पल्सर में कम इंटरेस्टेड है बट काफ़ी लोग जो है पल्सर के फैन है तो ये बिल्कुल ही न्यू मॉडल है। और मार्केट प्राइस कितना है इसका? ये पड़ेगा 132। 132 तुम्हारे पास मिलेगा। हाँ। मार्केट प्राइस इसका कितना है? प्राइस है इसका 2,00,000 रुपया समथिंग। 2,00,000 रुपया का पल्सर अभी आने लगा। और यहाँ पर गाइज KTM RC R15 2021 का मॉडल 24 लंबर है आपका ये 6000 एक लंबर है 8000 चला हुआ गाड़ी 8000 चला हुआ है कितना मिल जाएगा KTM 125 RC ये पड़ेगा 148 148 और यहाँ पर एक V3 भी है V3 आपका V3 यहाँ पर इसको क्या हुआ 2018 का लास्ट ही भी है इसको यहाँ पर मोनोग्राम लगेगा ये सर ऐसा वो हम लगा अच्छा किस प्राइस में मिल जाएगा ये पड़ेगा आपका 1,12,000 1,12,000 वो सब तो गाइस ठीक है बट यहाँ पर एक यूनिक बाइक यहाँ पर जो है कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप हस्क वरना 3700 चला हुआ ओरिजिनल 3700 चला हुआ है 3700 किलोमीटर। कैफे रेसर टाइप का एक बाइक अभी यहाँ पर देखने को मिलता है। पड़ेगा 152 इसका मार्केट प्राइस कितना? मार्केट प्राइस आपका 250 ऊपर। सो तुम्हारे पास लगभग कितने स्पोर्ट्स बाइक है? मुझे तो लगभग सब कुछ ही दिख रहा है। R15 पल्सर KTM बड़ा गाड़ी मिलेगा आपको सब कुछ यहां पर ऑलमोस्ट अवेलेबल है ये सारे के सारे। बुलेट का तो रॉयल एनफील्ड का वैरायटी जो भी प्राइस तुम बता रहे हो कि इतना में इतना मिल रहा है तो वो सारा EMI हो जाएगा। बजाज फाइनेंस HDB फाइनेंस जो भी फाइनेंस सब हो जाएगा। सिर्फ IDFC सारा जो है फाइनेंस हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में जो है आपको बुलेट्स वगैरह ये पूरा लाइन ही आई थिंक बुलेट का है। बुलेट यहाँ से लेकर के वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ बुलेट बुलेट देखने को मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिक 350 से। सो स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ से। यहाँ पर ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लासिक मिलेगा 9 क्लासिक मॉडल गाइस यहाँ पर बुलेट 350 क्लासिक। यहाँ पर जो है 9 मॉडल्स अवेलेबल है। 9 का 9 बारे में एक ही बार बता दो सबसे सस्ता कौन वाला है?
सबसे महंगा कौन वाला सबसे है? महंगा में अभी ये सबसे महंगा ये वाला है। हाँ। और सबसे सस्ता कितने में आएगा? सबसे सस्ता में आ जाए 1,32,000 रुपये। 1,32,000 में सबसे सस्ता यहाँ पर 9 गाइस बुलेट क्लासिक रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 मॉडल अवेलेबल है। सबसे जो सस्ता वाला मॉडल है वो 1,32,000 मिल जाएगा। उसमें से ये वाला जो है सबसे महंगा है। सबसे महंगा ये है 4.5 महीने का। 4.5 महीने का मतलब शोरूम से निकला है, नहीं कि तुम्हारे शोरूम पे आ गया। बस। कितने में मिल जाएगा ये? ये पड़ेगा 2,10,000। 2,10,000 कितना है? ये पड़ेगा आपका 2,62,000 रुपये बिना मतलब। और नया अगर खरीदने जाए हम लोग 2,62,000 रुपये मिलता है कैश में। यहाँ पर कैश में आपको मिलेगा 2,00,000। ये मेरे पास मिलेगा कैश में 2,10,000। हालांकि यहाँ पर जो है बुलेट का काफी सारा मॉडल अवेलेबल है। सबसे सस्ता जो प्राइस है गाइस वो है 1,32,000। यहाँ पर जो है जावा 42 जावा का भी एक मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है। किस प्राइस में मिल जाएगा? कितना साल पुराना है? 16 महीना का गाड़ी है, 13,000 चला हुआ है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, दुर्गापुर नंबर। और इसका प्राइस आपका 1,52,000। और एसडी 150 ये पड़ेगा 3,500 चला हुआ। 3,500 3,300 चला हुआ है। और ये भी तो कुछ ज्यादा पुराना, 8 महीने का, साल भर भी नहीं हुआ है। और किस प्राइस में मिल जाएगा? ये मिलेगा आपका 175। मीटियोर नहीं, एसडी स्टैंडर्ड 350। एसडी स्टैंडर्ड नहीं, मैं इसको बात कर रहा हूं, मीटियोर 350। ये 2021 का लास्ट फर्स्ट ओनर गाड़ी। कितना मिल जाएगा ये आएगा आपका 1,75,000। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे जो है इसका एक मॉडल क्लासिक ये सेम वाले जो अभी नया कुछ। उसके बाद भी गाइस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बुलेट अवेलेबल है। भाई का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, अशरफ ऑटो वर्क्स। हालांकि इनको मैं काफी दिनों से जानता हूँ। शोरूम गाइस जो है गोधुली से अंदर जाते हुए आपको SBI बैंक के ऑपोजिट में देखने को मिलेगा, अशरफ ऑटो वर्क्स। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट सेकेंड हैंड बाइक शोरूम इन आसानसोल, जहाँ पर आपको काफी कम प्राइस में और अच्छे सर्विस के साथ आपको जो है सेकेंड हैंड बाइक्स देखने को मिलेंगे, जितने भी सारे स्पोर्ट्स बाइक मार्केट में अवेलेबल है। सो यहाँ पर गाइस काफी सारे जो है CD डिलक्स, सुपर स्प्लेंडर, प्लाटिना, पैशन, ये सब बाइक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। आई थिंक ये सब जो है बाइक्स से काफी कम प्राइस में आ जाते हैं। तो सबसे मतलब तुम्हारे पास इतना सारा बाइक्स है, हंड्रेड्स ऑफ बाइक्स है यहाँ पर इस शोरूम में, 100 बाइक से भी ज़्यादा बाइक जो अवेलेबल है। सबसे सस्ता कितने प्राइस में कौन सा बाइक अवेलेबल है अभी यहाँ पे है? सबसे सस्ता में अभी है 35 तक है, स्कूटी है 35,000 में। स्कूटी है, स्कूटी है यहाँ। चलो ठीक है, यहाँ पर जिस बाइक पे मैं खड़ा हूँ ये है CD डिलक्स, ये है HF डिलक्स हीरो का, हीरो का एवरेज। फिर जाके सुपर स्प्लेंडर है, ग्लैमर है, प्लैटिना है, पैशन है, पैशन प्रो। तो ये सारा बाइक्स के बारे में बता दो, किस किस प्राइस रेंज में कौन सी बाइक जो है मिल जाएगी? ये आ जाएगा आपका 2016 का लास्ट है, आपका फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये आ जाएगा 43 तक। 43। अच्छा, HF डीलर्स का इतना डिमांड क्यों? इतना मतलब पुराना गाड़ी है, बस इसीलिए माइलेज ज्यादा है, माइलेज ज्यादा है, एवरेज है, रिसेल मिलेगा बेचने में, इसीलिए। सुपर स्प्लेंडर में बात करते हैं, सुपर स्प्लेंडर का क्या प्राइस? ये 2011 का लास्ट है, ये आ जाएगा 35 में। 35 में। और फिर ग्लैमर? फिर ग्लैमर आपका 2018 का मॉडल है, ये आ जाएगा 45। और फिर प्लैटिना? प्लैटिना आ जाएगा 2019 का लास्ट है, आपका फर्स्ट ओनर गाड़ी वो भी है, आपका ये आ जाएगा 55। अच्छा, सुना है ये प्लैटिना में जो है 60-70-80 का माइलेज देता है प्लैटिना, इसीलिए तो खोजता है सब एवरेज। और पैशन? पैशन प्रो आ जाएगा आपका 45 में 2018। चलो ये जो था गाइस ये सब जो है स्टार्टिंग रेंज का बाइक, स्टार्टिंग रेंज जो मार्केट में हर टाइम किसी ना किसी को चाहिए होता है। अब हम लोग स्कूटी सेगमेंट में देखते हैं, यहाँ पर काफी सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्कूटी अवेलेबल है। और सबसे कम प्राइस में जो स्कूटी मतलब बाइक्स जो टू व्हीलर अवेलेबल है वो स्कूटी में ही है, वो है सिर्फ और सिर्फ 35,000 में। कौन सा स्कूटी अवेलेबल है, कितना दिन पुराना है और कौन सा ब्रांड है? सबसे कोना वाला, हीरो सबसे कोना वाला वो हीरो का एक स्कूटी है, वो 35 से स्टार्ट है। ठीक है, वहाँ से बैक टू बैक जो है उसके बाद आ जाइए, एक्टिवा 5G टॉप मॉडल है, हाँ वो आ जाएगा 49,000। चलो ये सामने हम लोग के पास हीरो प्लेजर है, ये प्लेजर 17 का लास्ट, ये आ जाएगा 42। अच्छा ठीक है, इसको भी छोड़ के, इसको छोड़ के इसके बारे में बात करते हैं, यामाहा फासिनो 2021 का मॉडल है, गाड़ी ज्यादा चला। इसके अलावा भी काफी सारे लोग, कुछ लोगों को जो है खुद का एक मॉडल चाहिए होता है, मॉडल चाहिए, हाँ, जो कि हमको वही एक्टिवा चाहिए, जुपिटर चाहिए, 6G चाहिए, एंटॉर्क चाहिए, एंटॉर्क चाहिए सब। तो क्या अगर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है
तो तुम एक एश्योरेंस दे सकते हो कि एक महीना दो महीना के अंदर अंदर वो मॉडल हम अवेल कर देंगे? दो से तीन दिन के अंदर में अवेलेबल हम कर देंगे। ओ, कोई भी अगर आपको पसंदीदा मॉडल हो जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैंने सोचा कि एक आध महीना, बट भाई बोल रहे हैं कि एक से दो से तीन दिन में आपका अवेलेबल। ये बात तो शोरूम वाले भी नहीं बोलते हैं कि इतने दिन में अवेल कर देंगे, बट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आपका पसंदीदा मॉडल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर गाइस दो जो है हीरो की व्हाइट कलर की एक्सट्रीम अवेलेबल है, मिड रेंज में, मतलब मिड कंडीशन में जो है, काफी मिंट कंडीशन में अवेलेबल है। क्या प्राइस में आ जाएगा ये? ये है 2022 का मॉडल है। 2022 मतलब लगभग साल भर पुराना है, साल भर पुराना है। मात्र 8,500 किलोमीटर का ये बाइक है आपका, 8,000 चला हुआ, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2022 का लास्ट है। कितना में आ जाएगा ये? आएगा आपका, ये आपका 85 तक आएगा, 85,000। और पास में जो एक और स्कीम है 2021, हाँ ये आ जाएगा 75,000। 10,000 का डिफरेंस है, कितना किलोमीटर चला हुआ है? ये भी आठ हज़ार चला हुआ। तो इसमें 10,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। पास में डोमिना 200 या 400? 250 है। डोमिना 250 है, 7,000 चला हुआ ओनली, 7,000 किलोमीटर चला हुआ है। कितना साल पुराना गाड़ी है? और कितना साल पुराना है? 2021। और कितना किस प्राइस में आ जाएगा? फर्स्ट ओनर गाड़ी है आपका, आ जाएगा वही 1,28,000। 1,28,000। उसके बाद गाइस एक बाइक में देख पा रहा हूँ जिसका मार्केट में क्रेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और इसका गाइस मुझे जहाँ तक दिख रहा है 2 या 4 मॉडल जो है भाई के पास अवेलेबल है। एक स्टार्ट करते हैं, अगर अपाची आरडीआर ही दिखाना है तो हम लोग स्टार्ट वहाँ से करते हैं। वहाँ पे एक जो है गाइस ब्लू कलर की अपाची आरडीआर 160 अवेलेबल है और काफी मिंट कंडीशन में, चकाचक। अब क्या कंडीशन में है, क्या किलोमीटर चला हुआ है, किस प्राइस रेंज में चला, भाई बताओ। ये है आपका गाड़ी, ज्यादा चला नहीं है, 12,000 चला हुआ। तो अपाची एक कई स्पोर्ट्स बाइक है, मैंने जो है काफ़ी चलाई, मेरे पास खुद एक अपाची आरटीआर है। इसका रोड ग्रिप जो है बहुत ही अच्छा होता है, माइलेज भी अच्छा होता है और एक जो है एग्रेसिव फील भी आता है, जिस वजह से लोग जो है काफ़ी पसंद करते हैं अपाची आरटीआर को। इसका प्राइस ये पड़ेगा 95,000। 12,000 किलोमीटर चला हुआ है, 2023 का गाड़ी है, लगभग साल भर, 2023 की गाड़ी है, हाँ। मतलब एक साल भी नहीं हुआ है, 12,000 किलोमीटर चला लिया और 95,000 में मिल जाएगा। चलो एक और पीछे ब्लैक कलर का आरडीआर देख रहा हूँ, उसका कंडीशन काफी ज्यादा है, हालांकि सामने एक मरून कलर का है, उसके बारे में बात करेंगे, बट पीछे एक ब्लैक कलर का कंडीशन अच्छा है। इधर से कलर का अपाची आरटीआर है, काफी ग्लॉसी चकाचक, इंजन से भी मैं देख पा रहा हूँ गाइस बहुत कंडीशन बहुत सही है। कितना साल पुराना है, कितना किलोमीटर चला हुआ है, किस प्राइस का गाड़ी है? गाड़ी लगभग 40,000 समथिंग चला हुआ है और इसका प्राइस आ जाएगा 2016 का, इसीलिए जो 55,000 में मिल जाएगा। अच्छा वो एक साल पुराना। अच्छा यहाँ पर गाइस देख लीजिए होंडा एसपी साइन 2019, तो ये सब बाइक जो है काफी ज्यादा चलती है माइलेज के हिसाब से, लोग जो है ज्यादा पसंद करते हैं। लगभग 1,10,000-20,000 में मार्केट में मिलता है नया मॉडल। यहाँ पे कितना मिल रहा है ये पड़ेगा आपका? 57। 57 कितना किलोमीटर चला हुआ है, कितना दिन पुराना हुआ है? 2019 लगभग 4 साल का बाइक पुराना है। और कितना मिलेगा ये आएगा? 57। अवेंजर का कंडीशन जो भी काफी नया कंडीशन है, 160 सीसी का है, सामने एक बड़ा सा विंडशील्ड भी लगा हुआ है। कितना प्राइस में मिल जाएगा वो? ये पड़ेगा 68 तक आ जाएगा। 68 कितना किलोमीटर चला हुआ होगा? 19 का गाड़ी है, 30,000 समथिंग चला हुआ होगा। पास में एक होंडा साइन भी देखने को मिल रहा है, हाँ, वो है 2020 का लास्ट है। वो होंडा साइन भी मार्केट में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, लोग जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 65 तक आ जाएगा वो, 65 तक। लास्ट में एक आरटीआर है 4B, हाँ 4B, वो लाइन के लास्ट गाड़ी है, वो 62,000 रुपये में आ जाएगा, 62,000 में आ जाएगा। अच्छा उसके पीछे वाले रो में गाइस एक्स ब्लेड, पल्सर, जिक्सर, ये सब भी देखने को मिल रहा है, हाँ। और लगभग ये सब कितना किलोमीटर और किस प्राइस में मिल जाएगा? ये सब आ जाएगा आपका, जैसे आपका एक्स ब्लेड आ जाएगा आपका 55,000 रुपये में, 2019 का गाड़ी। अच्छा फिर बगल में पल्सर, बगल में ग्लैमर, ग्लैमर आ जाएगा, वो भी 55 में आ जाएगा। और जिक्सर, जिक्सर आ जाएगा 45 में, पल्सर एक, पल्सर आ जाएगा 40 में, और इधर एक होंडा का लीवो ड्रीमियोगा 45 में, 45,000 में। सो गाइस आप जो है लगभग 50,000 में भी एक अच्छा खासा जो है सेकेंड हैंड बाइक ले सकते हैं, वो प्राइस भी गाइस जो इजीली यहां पर जो ईएमआई हो जाएगी। यहां पर एक जो है पल्सर 200 अवेलेबल है, ये है सॉरी 160 160 है, 200 भी है मेरे पास, अभी लाने गया बंदा है रानीगंज से। अच्छा लाने गया, वो भी उठा हुआ। और ये BA नंबर 125 पल्सर, 4,000 चला हुआ BA, एकदम नया। कितना मिल जाएगा ये? आ जाएगा 85 में, 85 में। और ये आ जाएगा 72 में।
क्योंकि बहुत डिमांड है इसका। तो गाइस कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अशरफ ऑटो वर्क्स का नंबर गाइस मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लोकेशन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, गोधुली अंदर जाते हुए गाइस आपको SBI बैंक देखने को मिलेगा, उसके बिल्कुल अपोजिट में जस्ट आपको रोड साइड में अशरफ ऑटो वर्क्स देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 100+ जो है सेकंड हैंड बाइक्स देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स बाइक भी है, मिड रेंज बाइक भी है, स्कूटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इवन आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो 10+ जो है रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक्स भी अवेलेबल है। सो जो भी आपका पसंदीदा बाइक्स है यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में। साथ गाइस भाई का जो है सर्विस सेंटर भी है, तो खरीदने के बाद भी सर्विस भी आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा। सो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर गाइस मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वीडियो गाइस ऐसा लगा मुझे जरूर बताना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।